आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता करी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा हमारी रेसिपी। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं सॉफ्ट मलाई कोफ्ता करी। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता करी। तो चलिए देख लेते हैं मलाई कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो उसके लिए हमने 300 ग्राम पनीर लिया है, इसी के माप से हमने 300 ग्राम आलू उबाल कर इसे भी दोनों को ग्रेट कर लिया है, और 8 से 10 लहसुन की कलियां, हरी धनिया की पत्ती थोड़ी सी, 3 से 4 हरी मिर्च, 4 चम्मच ये बटर है, मलाई घर का है 3 चम्मच होंगे, और 2 प्याज मीडियम साइज के, इसे हमने इस तरह से काट लिया है, 4 टमाटर हैं जिसे हमने इस तरह से काट लिया है छिलकर, जिससे हमें दोबारा मसाला को फ्राई करके उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे तो हमको छानना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए हमने टमाटर को छिलकर काट लिया है, और आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला, एक मुट्ठी काजू, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है, और इसे हमने बारीक काट लिया है काजू को स्टफिंग भरने के लिए, और 2 तेज़पत्ता, आधे चम्मच जीरा, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और तीखा लाल मिर्च है, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिए हैं रिफाइन है 1 कटोरी, और कस्तूरी लाल मिर्च भी लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, थोड़ा गर्म हो जाए। तो देखिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो गया है। इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, और इसमें डाल देंगे हम बटर, 2 चम्मच के लगभग, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, आप अगर चाहे तो सिर्फ रिफाइन में भी बना सकते हैं, इसमें हमने बटर यूज किया है, और इसमें हम डाल देंगे ये जो खड़े मसाले लिए हैं, इसको थोड़ा चला लेते हैं जिसका फ्लेवर मसाला का ऑयल में आ जाए बटर में। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ इसे सोते करना है, यानी मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ये हल्का नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया और जीरा लिए हैं हम, वो डाल देते हैं, इसको
थोड़ा मिला लेते हैं। इसमें देखिए इस टाइम आप अगर चाहती हैं तो आधा इंच अदरक काट कर डाल सकती हैं। हम अदरक यूज नहीं करते हैं इसलिए हम अदरक नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली और ये लहसुन की कलियां, इसे थोड़ा मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए, ये तीखा नहीं होता है। इसे हमारा करी में ग्रेवी जो बनाएंगे करी के लिए उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, उसके बाद हम डालेंगे काजू, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जिससे हमारा टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे हम मीडियम आंच पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पका लेंगे अच्छे से, जब तक कि ये टमाटर और काजू सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसे हम ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे मीडियम आंच पर जब तक ये हमारा पक रहा है तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, तो अभी लग नहीं रहा है इसलिए अभी पानी नहीं डाल रहे हैं। हम देखते रहेंगे बीच बीच में और इसमें हम पानी डाल देंगे ज़रूरत होगा तो, और फ्लेम को एकदम मीडियम कर दें, मीडियम नहीं, मीडियम से भी थोड़ा लो कर दें। उसके बाद जब तक ये होता है तब तक हम अपना कोफ्ता बना लेते हैं। तो चलिए हम कोफ्ता बना लेते हैं। हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, ये लाल कश्मीरी मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है। गरम मसाला, अभी हम फिलहाल इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर है, नमक, ग्रेवी में भी नमक है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से हमारा कोफ्ता का डो। अब देख लेते हैं ये बाउल अगर बन जा रहा है, गीला अगर है तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, मिला लीजिए, अगर हो जा रहा है तो फिर मत डालिए, हमने 2 चम्मच ही लिया था। थोड़ा सा ये स्टफिंग
डाल देते हैं काजू का। आप अगर चाहें तो ये इसे मत डालिए, कोई बात नहीं है, ऑप्शन। तो देखिए इस तरह से हम अब सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप अगर चाहें तो जैसा शेप दे सकती हैं इसका, आप अगर चाहें तो इस तरह का भी शेप दे सकती हैं। अगर हाथ में लग रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से लेकर इस तरह से, इस तरह का भी शेप रोल कर सकती हैं। तो आपको जैसा इच्छा हो उस तरह का आप कोफ्ते तैयार कर लीजिए। और हमने देखिए इसमें पानी अभी नहीं ऐड किया है, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ा है और उसी में हम फ्राई अभी कर रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, नहीं तो इसी तरह हम सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तभी और होगा, तो इसको ढक देते हैं। हम अपना सारा कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम कॉर्नफ्लोर को लेंगे और इसमें इस तरह से हल्का हल्का चारों तरफ से कोटेड कर देंगे, जिससे हम फ्राई करेंगे तो फटेगा नहीं। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे कोट कर देंगे। तो देखिए हमारा टमाटर और ये काजू जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसे हम ठंडा करके थोड़ा सा, अगर नहीं मिक्सर में पीस रहा है तो थोड़ा पानी ऐड करके आप इसका पेस्ट, फाइन पेस्ट बना लीजिए ठंडा करके। तो इसको हम उतार के रख देते हैं और इस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कोफ्ता तलेंगे, गर्म होता हो जाए अच्छे से तब तलेंगे। तो देखिए हमने रिफाइन ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, इसे तलने के लिए। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके डाल देते हैं। इसे डालकर तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ा देर में इसको हम उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा कोफ्ता अच्छे से तल गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो इसी तरह हम सारे कोफ्ते को तल लेंगे। तो देखिए हमने फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कोफ्ता हमारा तलकर रेडी हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं
चम्मच से, एक चम्मच ज़्यादा नहीं, एक चम्मच रिफाइन ऑयल, और एक चम्मच के लगभग बटर। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, उस वक्त हम थोड़ा कम ही यूज किए थे, तो आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं, फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं जो पेस्ट तैयार किए हैं। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ये गाढ़ी ही बनती है, ज़्यादा पतली नहीं बनती है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकती हैं। ऐसे तो पक गया है, ये तो भूनते समय ही, तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा हम पानी और लगभग आधा गिलास पानी हम इसमें ऐड किए हैं पीसने, और अभी तक पेस्ट को तैयार करने में और थोड़ा सा कढ़ाई में डालने के बाद, तो लगभग आधा गिलास पानी हम इसमें डाले हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी क्रश करके कस्तूरी मेथी, थोड़े से डालना है, इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा नमक, हमको लग रहा है थोड़ा उस वक्त थोड़ा ही यूज किए थे, इसी वक्त इसमें हम थोड़ा सा क्रीम, जिसे हमने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा सजाने के लिए रख दिया है, सर्व करने के वक्त सजाएंगे हम। अब थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें कोफ्ता डालेंगे, 2 सेकंड बस इसको पका लेंगे, उसके बाद हमारा कोफ्ता, मलाई कोफ्ता करी तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें हम अपना कोफ्ता डाल देते हैं। आप अगर चाहें तो इस वक्त नहीं डालिए, अलग से ऊपर से भी डाल सकती हैं। और इसे एक बार मिला लेते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। तो हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ।